16वीं सदी में अ ग्रेट ब्रेक थ्रू और अ डिवाइड इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी ट्रांसपायर्ड। जर्मनी में पैदा हुए मार्टिन लूथर ने मसीही इतिहास को पूरी तरह बदल दिया। लूथर के कार्यों और उसने जो प्रोटेस्ट किया, विरोध किया उस वक्त चल रही करप्शन का, उसके लिए तकरीबन हर मसीही मार्टिन लूथर को जानता है। वेल, तो पिछली वीडियो में जैसे आपने देखा होगा कि मार्टिन लूथर पहला नहीं था जो कैथोलिक की शिक्षा के विरोध में खड़ा हुआ था, वरन उससे पहले जॉन वाइक्लिफ, द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन, जॉन हस जैसे लोगों ने भी कैथोलिक के कुछ सिद्धांतों का विरोध किया था। लेकिन इन्होंने, हम कह सकते हैं कि मार्टिन लूथर के लिए एक नींव, एक फाउंडेशन रखी थी जिसके ऊपर लूथर ने रिफॉर्मेशन को खड़ा किया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था जितना आज शायद हमें लगे। तो कौन था मार्टिन लूथर और उसका मसीही इतिहास में क्या योगदान है और क्यों आज हम सबको लूथर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तकरीबन 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने अपनी कुर्बानी देकर हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ किया। हमारे और परमेश्वर के बीच में जो पर्दा था, जो दीवार थी, उसे हटा दिया ताकि हम मसीही यीशु के द्वारा सीधा परमेश्वर के सामने खड़े हो सकें, जो कि पहले पॉसिबल या मुमकिन नहीं था। लेकिन अब मसीह यीशु के लहू के द्वारा पश्चाताप करके और प्रभु यीशु पर विश्वास करके हम उद्धार यानी मुक्ति को हासिल कर सकते थे। तो अब जिन्होंने पश्चाताप किया और मसीह यीशु पर विश्वास किया उन्हें क्रिश्चियन कहा गया, और वह लोग एक परिवार की तरह इकट्ठे होते थे, एक दूसरे को इनकरेज करते और एक दूसरे को शिक्षा देते थे। कोई भी नए मेंबर्स अगर ज्वाइन करते तो पुराने जो बुजुर्ग थे जिनको सारी दास्तां मालूम थी वह उन्हें सिखाते थे। लेकिन तभी इसी दरमियान बहुत ही टेरिबल, बहुत ही परेशान कर देने वाले काम हुए। ये बुजुर्ग वचनों की सच्चाई से फिर गए और अननेसेसरी रूल्स, रीति रिवाजों, सिद्धांतों, कानूनों को ऐड करने लगे। उनके बाद और आए जो ताकत और पदवी यानी पोजीशन के भूखे थे। उन्हें समझ आ गई थी कि अगर वह मसीहों पर, विश्वासियों पर कंट्रोल, पूरी तरह कंट्रोल चाहते हैं तो उन्हें वचनों की सच्चाई को लोगों से दूर रखना होगा, और साथ ही साथ परमेश्वर और लोगों के बीच के जो कनेक्शन है उसे काटना होगा। और इस सब के लिए उन्हें दो चीज़ों में दखलंदाजी करनी पड़ी, पहला प्रार्थना और दूसरा पवित्र वचन। तो प्रार्थना के विषय में उन्होंने सिखाया कि परमेश्वर और इंसानों के बीच में जो मीडिएटर है वो एक इंसान है, यानी कि वो चर्च का लीडर था जिसके द्वारा उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंच सकती हैं। जबकि पवित्र बाइबल साफ साफ सिखाती है कि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, मीडिएटर है, अर्थात मसीही यीशु। तो दूसरा स्टेप था कि वचनों को पढ़ने और उसका अध्ययन करने और उसे इंटरप्रेट यानी अनुवाद करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ चर्च के लीडर्स के पास ही था, और वो भी उस लैंग्वेज में जिसे उस वक्त आम इंसान ना तो पढ़ता और ना ही जानता था, और वो लैंग्वेज थी जैसे आप जानते ही होंगे, लैटिन यानी लतीनी भाषा। और तभी 1415 में एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसका नाम था जॉन हस, मार्टिन लूथर के आने से 100 साल पहले। जॉन हस के बारे में हमने पहले ही उसकी एक बायोग्राफी वीडियो बनाई हुई है जिसमें पूरी तरह एक्सप्लेन किया गया है कि जॉन हस कौन था और क्यों उसे जिंदा जला दिया गया था रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा। तो प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जरूर जानिए। ओके, तो अब जॉन हस ने जब बाइबल को पढ़ा, अब कैसे पढ़ा, क्योंकि वह उस वक्त एक बहुत बड़े चर्च का पास्टर था और बहुत पढ़ा लिखा इंसान था। तो जब उसने बाइबल को पढ़ा और देखा कि एक मिनट, ये बातें तो चर्च की शिक्षा के बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल इसके विरोध में हैं। तभी चर्च के अधिकारियों ने कहा, ओके, तो बहुत होशियार बन रहे हो, हम इस आवाज को बंद कर देते हैं। और उसे जिंदा जला दिया गया और उसकी चिता की चिंगारी ने 100 साल के बाद अपनी ताकत को दिखाना शुरू किया जब मार्टिन लूथर आया, जिसने रोमन कैथोलिक चर्च के शासन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। ओके, तो अब ये मार्टिन लूथर कौन था?
तो मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था जर्मनी में। लूथर के पिता चाहते थे कि वह एक वकील बने, इसलिए लूथर ने लॉ की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। एक दिन लूथर जब अपने घर से बाहर था तो बादलों और बिजली ने उसे घेर लिया और लूथर बहुत ही डर गया और प्रार्थना की कि अगर परमेश्वर उसे बचा ले तो वह एक मसीही सन्यासी बन जाएगा, एक मंक बन जाएगा। इस तरह 1505 को लूथर ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री में चला गया। मोनेस्ट्री में रहते हुए लूथर ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। 1512 को लूथर ने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री को पूरा किया और फिर लूथर बाइबल की शिक्षा के एक प्रोफेसर बन गए। मार्टिन लूथर उस परमेश्वर से बहुत डरता था जिससे वह तूफान और चमकती बिजली में मिला था, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि वह परमेश्वर धर्मी है, पवित्र है और सच्चा न्यायी है। तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था कि मैं इस परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कैसे करूं, हाउ डू आई गेट राइट विद गॉड। तो वह मजहबी रस्मों के द्वारा ये सब करने की कोशिश करता था। वह बहुत प्रार्थना करता है, उपवास करता है, प्रीस्ट के सामने अंगीकार करता है, सारे रीति रिवाजों को, रस्मों को बड़ी ईमानदारी से मानता और फॉलो करता है। बाद में वह लिखते हैं कि इफ एनी वन कुड हैव अर्नड हेवन बाय द लाइफ ऑफ ए मंक इट वाज आई। अगर सन्यासी की जिंदगी गुजार कर कोई स्वर्ग हासिल कर सकता था तो वह मैं था। भले ही उसने पूरी कोशिश की इन सारे माध्यम से, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। वह बेचैन रहता था और मन में शांति नहीं थी, क्योंकि वह परमेश्वर के क्रोध और धार्मिकता और न्याय से बहुत डरता था। और उसे सिखाया गया था कि अच्छे काम करो, अच्छे इंसान बनो, जिसे इंग्लिश में या थियोलॉजिकल भाषा में कहते हैं सैंक्टिफिकेशन, मतलब कि अपने आप को सैंक्टिफाई करो, सही करो, तो आप परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए जाएंगे, जिसका मतलब है जस्टिफिकेशन, सिद्ध किए जाना, मतलब कि जस्टिफाई या धर्मी सिद्ध होने के लिए आपको पहले सैंक्टिफाई, अच्छे होना या सही होना पड़ेगा। तो इसी वजह से लूथर परमेश्वर से डरता है, क्योंकि वह अपने आप में सही नहीं हो पा रहा था, वह अपने आप में अच्छा नहीं हो पा रहा था। लेकिन भजन संहिता 25 वचन 14 में लिखा है कि यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है। तो परमेश्वर ने अपनी वाचा को लूथर के ऊपर प्रकट किया। तो एक दिन जब रोमियों की किताब से पढ़ते समय उसकी नज़र एक वचन पर पड़ी, जिसे हम कह सकते हैं कि वह एक रेफॉर्मेशन टेक्स्ट था, और वो वचन था रोमियों अध्याय 1:17 कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। इसका मतलब है कि आप अपने कार्यों से स्वर्ग हासिल नहीं कर सकते हैं, वरन परमेश्वर ने इस पापी संसार के लिए अपना बेटा दिया है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, ईमान लाए, वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। जिसका मतलब यह है कि धर्मी सिद्ध होना पहले आता है और सैंक्टिफाई यानी अच्छे बनना, भले काम करना, अच्छे फल लाना बाद में आता है। ओके, तो सिंपली कहें कि पहले आप परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार को फ्री में, बिल्कुल फ्री में हासिल करते हैं, और फिर उसका आत्मा आपके अंदर आता है आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए और आपको सैंक्टिफाई करने के लिए, कि आप अच्छे काम कर सकें और एक अच्छे इंसान बन सकें। तो लूथर के लिए ये एक बहुत ही बड़ा प्रकाशन था। वह खुद अपने लफ्जों में कहते हैं, हियर आई फेल्ट एज इफ आई वर एंटायरली बॉर्न अगेन एंड हैड एंटर्ड पैराडाइज इटसेल्फ थ्रू द गेट्स दैट हैड बीन फ्लंग ओपन। वह कहते हैं कि यहां मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूं और उन फाटकों से होता हुआ स्वर्ग में प्रवेश कर चुका हूं जो खुले हुए थे। लूथर समझ गया था कि अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर से मिलाप का रास्ता बस एक ही है, अपने गुनाहों का अंगीकार प्रभु यीशु के सामने करना, पश्चाताप करना, और उसने हमारे लिए जो क्रूस पर किया है उस पर भरोसा और विश्वास रखना, मतलब कि उद्धार के लिए अपनी धार्मिकता पर निर्भर ना करना वरन मसीही की धार्मिकता पर निर्भर करना जो हमें सिद्ध करती है। और इसी दरमियान
कैथोलिक के लीडर्स परमेश्वर के भय से बहुत दूर थे। भले ही वह सोशल वर्क करते थे, समाज सेवा करते थे, लेकिन वह अपने बनाए हुए मजहबी रिवाजों को इस्तेमाल कर रहे थे अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए और ऐश की जिंदगी जीने के लिए। वह लोगों को सिखाते और कहते थे कि पैसा दे ताकि आपके गुनाहों की सजा कम हो, आप परमेश्वर के साथ फिर से मिलाप कर सकें, और पैसे देने के बाद लोगों को इंडल्जेंस का सर्टिफिकेट दिया जाता था। अब दूसरी तरफ मार्टिन लूथर की बहुत इच्छा और चाहत है कि वह परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करे, लेकिन वह पूरी तरह हैरान था इस तरीके को देखकर, क्योंकि वह बाइबल में ऐसी कोई भी शिक्षा को नहीं देखता है। तो वह 95 थीसिस यानी बातों को पेपर पर लिखता है और चर्च बिल्डिंग के डोर पर उन्हें लगा देता है डिस्कस करने के लिए, और यह जगह थी विटनबर्ग जर्मनी में। तो जैसे मास्टर यीशु के साथ हुआ था, वैसे ही दास मार्टिन लूथर के साथ भी हुआ। जैसे मसीह यीशु ने पैसे बनाने वाले जो उस वक्त मंदिर में काम करते थे उनके खिलाफ बोला, वैसे ही मार्टिन लूथर ने चर्च के अंदर पैसे बनाने वालों के खिलाफ बोला। और जैसे मसीह यीशु को धर्मी अगुए नफरत करते थे, वैसे ही चर्च के अधिकारियों ने लूथर के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि इसे दूर किया जाए, क्योंकि जब आप धर्म के अगुओं की करप्शन और प्रभाव पर सवाल खड़े करते हैं तो गेम ओवर है, गेम खत्म हो जाती है। 1521 को लूथर को जर्मनी में एक सभा में बुलाया गया। वह डिबेट के लिए पूरी तरह से तैयार होकर गया था, लेकिन उससे कहा गया कि जो कुछ भी उसने लिखा है उसका इनकार करे और स्वीकार करे कि वह गलत है। तो इस पर जो लूथर ने कहा, यह सच में कहने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमें चाहिए। उसने कहा, अनलेस आई एम कन्विक्टेड बाय द स्क्रिप्चर्स एंड प्लेन रीजन, जब तक मैं वचनों और स्पष्ट तर्क से कायल नहीं किया जाता, आई डू नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द पॉप्स एंड द काउंसिल्स, तो मैं पॉप और सभा की अथॉरिटी को नहीं मानता। फॉर दे हैव कंट्रडिक्टेड ईच अदर, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बोला है, वह खुद एक दूसरे के खिलाफ हैं, विरोध में हैं। माय कॉन्शियंस इज कैप्टिव टू द वर्ड ऑफ गॉड, आई कैन नॉट एंड आई विल नॉट रिकेंड एनीथिंग, फॉर टू गो अगेंस्ट कॉन्शियंस इज नीदर राइट नोर सेफ, गॉड हेल्प मी, आमीन। मेरा जमीर परमेश्वर के वचनों के साथ बंधा हुआ है, मैं ना तो इनकार कर सकता हूं और ना ही इनकार करूंगा, क्योंकि अपने जमीर के विरोध में जाना ना तो सही है और ना ही सुरक्षित है। परमेश्वर मेरी मदद करो, आमीन। तो कैथोलिक मानते थे कि चर्च, पॉप, लेटिन बाइबल और रीति रिवाजों को मिलाकर सच्चाई बनती है, इट इक्वल्स ट्रूथ। लेकिन लूथर ने कहा कि ना, बाइबल इक्वल्स ट्रुथ, बाइबल ही सच्चाई है। तभी उस सभा में लूथर को एक कन्विक्टेड हेरेटिक, एक अपधर्मी घोषित कर दिया गया, उसे बंदी बना लिया गया, जिसका मतलब है कि उसका हाल भी जॉन हस के जैसा ही होने वाला था। लेकिन वहां उसके कुछ दोस्तों ने उसकी मदद की और वह रात को वहां से बचकर निकल गया। तो उसके दोस्तों ने खबर फैला दी कि लूथर को मार दिया गया है, और 10 महीनों तक वार्टबर्ग कैसल में छिपा रहा और अपना भेस बदलकर वह वहां रहा। और इसी दरमियान 11 हफ्तों में लूथर ने लातीनी भाषा से लोकल जर्मनी की भाषा में नए नियम का अनुवाद किया। अब यह बहुत ही दिलचस्प था, क्योंकि हजारों लोग अब खुद बाइबल को पढ़ सकते थे और जान सकते थे कि परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहते हैं, और स्वर्ग का दरवाजा एक बार फिर लोगों के लिए खुल गया था। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी लूथर और जो वह रिफॉर्म यानी सुधार लेकर आया मसीही इतिहास में। अब 500 साल के बाद आज कई लोग फिर भी वचनों की सच्चाई से अनजान हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि विरोधी का पर्पस, मकसद बदला नहीं है। वह अब भी चाहता है कि आप धर्म के अगुओं पर निर्भर रहें, ना कि खुद वचनों को पढ़ें। अब उसने स्ट्रेटजी, कुछ तरीके बदल लिए हैं। जानकारी को छिपाकर रखने की बजाय अब वह फ्री में जानकारी को बहा रहा है, और इसकी मात्रा, क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि सच्चाई को पहचानना अब बहुत ही मुश्किल हो चुका है। देखिए,
आप अब दो क्लिक करके बाइबल को पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं। वीडियो गेम्स की वजह से, अगले एंटरटेनमेंट शो की वजह से, या फिर किसी और दिलचस्प वीडियो की वजह से। और इसका नतीजा वही है जो पहले था, हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं और ना ही वचनों की सच्चाई को जान पाते हैं। आज आप आजाद हैं किसी भी भाषा में, कभी भी, कहीं भी बाइबल को, इसके अनुवादों को, कमेंट्रीज को पढ़ने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि हम कितना वचन निकालते हैं, कितना वचनों की गहराई को और वचनों की सच्चाई को खुद जानने की कोशिश करते हैं। तो याद रखें, जैसे मैंने जॉन वाइकलिफ की बायोग्राफी वीडियो में कहा था कि बाइबल एक खून से लथपथ किताब है, शहीदों का खून इसके ऊपर है, अनुवाद करने वालों का खून इसके ऊपर है, और जिनकी वजह से आज हम फ्रीली बाइबल को पढ़ सकते हैं उनका खून इसके ऊपर है। तो इस 31 अक्टूबर को रिफॉर्मेशन डे है, आइए निर्णय करें कि चाहे कुछ भी छूट जाए, खाना भूल जाए, पीना भूल जाए, कोई भी चुनौती सामने आए, हम बाइबल पढ़ना, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना नहीं भूलेंगे, और कोई दिन ऐसा नहीं आएगा कि हमसे बाइबल पढ़ना छूट जाए। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है और आपने कुछ इन्फॉर्मेशन को हासिल किया है, तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आग की तरह फैला दें, बहुत ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत से लोग जो अनजान हैं अभी तक पवित्र बाइबल की सच्चाई से, वह सच्चाई को जान सकें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। आमीन।